सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है समलैंगिक विवाह का केस। पहले दिन की सुनवाई पूरी। क्या रही पहले दिन की सुनवाई की पांच बड़ी बातें। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई चल रही है। इस केस की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच कर रही है। मंगलवार के दिन इस केस की पहले दिन की सुनवाई पूरी हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस को देख रहे हैं। समलैंगिक विवाह की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, इसकी पांच बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सीजेआई ने कहा, फैसला हम लेंगे। समलैंगिक विवाह केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता को सीजेआई चंद्रचूड़ के कड़े शब्दों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं बता सकते कि हम कैसे कार्यवाही करेंगे। मैंने अपनी कोर्ट में कभी भी इसकी परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा श्रीमान सॉलिसिटर, हम फैसला लेंगे। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस आपत्ति पर यह बात कही। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में अदालत की तरफ से होने वाली सुनवाई पर अपनी आपत्ति जताई, उनका प्रश्न था कि क्या अदालत इस प्रश्न पर सुनवाई कर सकती है या पहले इस पर अनिवार्य रूप से संसद में चर्चा कराई जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है जो कि वास्तव में सामाजिक और कानूनी संबंध बनाने को लेकर है। यह सक्षम विधायिका का कार्य क्षेत्र है। उन्होंने दलील दी कि यह सब्जेक्ट समवर्ती सूची में शामिल है। ऐसे में हम एक राज्य की सहमति से दूसरे राज्य के इसके पक्ष में कानून बनाने और किसी तीसरे राज्य के इसके खिलाफ कानून बनाने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में तुषार मेहता ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि राज्यों की गैर मौजूदगी में ये याचिकाएं विचार करने लायक नहीं है। लैंगिकता के आधार पर बेंच का मत। सीजेआई के बेंच ने यह साफ कर दिया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की इन याचिकाओं पर जब वो फैसला करेंगे उस वक्त वो विवाह से संबंधित पर्सनल लॉ पर विचार नहीं करेंगे। इस संबंध में बेंच ने विशेष विवाह अधिनियम पर दलीलें पेश करने को कहा। बेंच ने इस मुद्दे को जटिल करार दिया। बेंच ने कहा कि एक पुरुष और एक महिला की सोच जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम में है वो लैंगिकता के आधार पर पूरी नहीं है। बेंच ने साफ कहा कि सवाल ये नहीं है कि आपका लिंग क्या है, मैटर ये है कि ये कहीं ज़्यादा जटिल है। समाज की मंजूरी जरूरी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रांसजेंडर पर कानूनों को आधार बनाकर अपनी दलील दी। उन्होंने इस दौरान कई अधिकारों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने साथी चुनने का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार संबंधी दूसरे अधिकारों को जोड़ते हुए अपनी दलील दी। उन्होंने दलील दी कि शादी को सामाजिक कानूनी दर्जा प्रदान करना कोर्ट के फैसलों के जरिए संभव नहीं है, ये विधायिका की तरफ से भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए समाज के अंदर से मंजूरी आनी चाहिए। पर्सनल लॉ पर चर्चा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों में पर्सनल लॉ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हिंदू और मुस्लिम बल्कि दूसरे समुदाय भी प्रभावित होंगे। उन्होंने एक बार फिर राज्यों की याचिकाओं पर विचार करने पर जोर दिया जिसके जवाब में सीजेआई के बेंच ने साफ किया कि वो पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तुषार मेहता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम इस पर गौर करें। साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि आप हमें इसे तय करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि हमें सब कुछ सुनने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि ऐसे में ये मुद्दे को शॉर्ट सर्किट करने जैसा होगा। जिस पर बेंच ने कहा कि इसके लिए हम बीच का रास्ता अपना रहे हैं, हमें कुछ तय करने के लिए सब कुछ तय करने की जरूरत नहीं है। समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई के पहले दिन की ये पांच बड़ी बातें थी। अब इस केस पर दूसरे दिन की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है इसका इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।